जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रारंभ करते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया था, अर्थात उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से वह सब द्रव्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई यत्न बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा हुआ धन मुझको मिले, या मुझको पता चल जाए कि पृथ्वी में कहाँ पे ऐसा कोई तिजोरी रखी है जिसमें बहुत सारा धन रखा हो। किसी से पूछता कोई अंजन बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा द्रव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा कि तू मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया और मार्ग में चोरों ने मार दिया उसको। उसके अपराध, उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी हो जो मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाए। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता कौन थे, मेरे पिता क्या करते थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था पर वो फिर भी उससे संतुष्ट नहीं थे। वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने को गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तो आपने पिता की कोई गति कराई थी क्या। तब माता ने कहा, नहीं कराई बेटे। बेटे ने पूछा, माता उसकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, अतः उनका उद्धार किस तरह होगा। पंडितों ने कहा, तो गया जी जाकर उनकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बहुत डर लगा, भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसके पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे, अर्थात ये वही जगह थी जहां चोरों ने उसके पिताजी को मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसके पिता ने प्रेत की योनि में उसके मुँह से गीता के तीसरे अध्याय को सुना, जिससे उनकी देवते ही छुट्टी और उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिला और स्वर्ग से विमान आए। और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना था। तेरे इस पाठ करने से मेरी देवदेही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं। अब तो श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। तब उस बालक ने वही किया और पुनः गीता के 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठ गामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी के पाठ करता है और सुनता है, उसको फल कहाँ तक मिलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 3 अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा, वह सुना है तुमने, यह उसी का फल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राधे राधे।